हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तमीम और आप देख रहे हैं तमीम पी जेंस क्लब। आप सब लोग कैसे होंगे? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर से होंगे। चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हमारे एक कबूतर को, जो कबूतर अंडा नहीं रखती है, तो उसको किस तरह रेडी करें। बहुत सारे भाई भी कमेंट्स कर रहे थे कि किस तरह कबूतर को ठीक करें, ठीक है। और चलो दोस्तों, फाइनली हम ये कबूतर को उठाते हैं। हाँ, देखना दोस्तों, ये कबूतर किस तरह कर रहा है, मुंह खोल रहा है और अंडा भी नहीं रखता है, तो उसके लिए कैल्शियम किस तरह दें। हाँ दोस्तों, इसको कैल्शियम किस तरह दें, और अभी आपको देख के भी दिखा दूंगा। तो दोस्तों, फाइनली हमने ये कबूतर बाहर लेके आ गया आपके लिए। ये देखना, कबूतर बहुत कमज़ोर हुआ है और अंडा भी नहीं रख रहा है, तो इसके लिए बेस्ट इलाज कबूतर इसलिए अंडा नहीं रखती क्योंकि इसको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी आपके कबूतर अंडा नहीं रखते हैं, तो उसको एक्सेल जो भी अंडा रहता है, उसका अंडा का ऊपर हिस्सा, उसको एक्सेल बोलते हैं, वो डालना पड़ेगा। ये देखना, इसी तरह जो भी अंडा का छिलका होता है, इसी तरह अच्छा बारीक सा पीस लो। बारीक सा पीसने के बाद आपको सब कबूतर को रखना पड़ेगा, तभी आपके कबूतर हेल्थी से भी रहेंगे और अंडा भी रखेंगे। और चलो दोस्तों, इस वीडियो को ये सारी इस कबूतर को पहले रेडी करते हैं। चलो दोस्तों, इस तरह का एक अंडा ले लो, मुर्गी का अंडा भी चलेगा या कबूतर का अंडा भी चलेगा। तो सोचा मैंने, अभी कबूतर का अंडा मेरे पास है, तो आप सब लोगों को कबूतर के अंडे से ही बता दूँ। जो इसमें वाइट कलर रहता है वो है प्रोटीन, और जो येलो कलर रहता है वो है कैल्शियम। और ये देखना, इस तरह तोड़ लो अंडे को। और फाइनली इस पे आ गया है। आप ये ट्रिक जो भी कबूतर आपके कमज़ोर होते हैं या आपके कबूतर अंडे नहीं रखते हैं, उस वक्त ये बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत हेल्थी से भी रहेंगे कबूतर। आप ये ट्रिक यूज़ करके देखना 100%। और चलो, इसको ऐसे ही इसके मुंह पे मार देते हैं। और हमने अभी मार दिया है, ये देखना। और उसको 10 ml पानी ले लो, इस तरह पानी। पानी लेने के बाद 10 or 5 ml उसको मार दो। और इसी तरह आप वीकली वंस एक बार करना पड़ेगा, देखना आपके कबूतर 2 weeks में ही रेडी हो जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी आपके कबूतर इस तरह वीक होते हैं या इस तरह कैल्शियम की बहुत कमी होती है कबूतर्स को, तो आप ये ट्रिक यूज़ करके देखना, आपके कबूतर, गारंटी से बोल रहा हूँ, रेडी हो जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये अंडा जो है ख़राब नहीं होना चाहिए, अच्छा अंडा ही रहना पड़ेगा। या मुर्गी का अंडा ले लो या नाटी अंडा भी ले लो, आपके अंडे जो भी है अंडा वो अच्छा रहना चाहिए, तभी आपके कबूतर में हेल्थी से रहेंगे कबूतर। और ये चैनल पे नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, प्लस लाइक कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना। इस तरह की वीडियो मैं बहुत लाऊंगा और आप सबको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।